आप जानते हो कि जीएमवी हुंडई सोहना में है, वो तो वैसे भी बड़ी फेमस डीलरशिप है। इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, इसमें तो मतलब जो हमारे फैमिली मेंबर से कोई बैठता ही नहीं है, सिर्फ मैं सिंगल चलता हूँ या यार दोस्त चलते हैं, कहते हैं ऐसा लगता है जैसे गड्ढे में बैठ गए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज हमारे साथ है वरना। ये जो गाड़ी है ना, मतलब अपने इंडिया में इस गाड़ी को लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला है, तो ये गाड़ी है विकी की। प्लीज आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो ये गाड़ी आपने कब ली थी? मैम ये है, मैम मार्च की 31 मार्च को ली थी। अभी मतलब इसी है? 2022। ओके, तो ये आपको कितने की पड़ी? मैम ये पड़ी थी 13 लाख के समथिंग में पड़ी थी। जैसे आज के टाइम में लोग ऊंची गाड़ियां पसंद कर रहे हैं, सब जिसे देख लो कोई 700 की तरफ भाग रहा है, या फिर चलो दूसरे ब्रांड की अपनी बात छोड़ देते हैं, हुंडई में ही देख लो लोग क्रेटा ले रहे हैं, ऊंची गाड़ियां लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आपने एक सेडान ली, उसका क्या कारण था? मैम उससे पहले ना सारी मैम एसयूवीज हैं, फॉर्च्यूनर भी है, सेल्टोस भी है, और एक सोनेट भी अभी लिया है। उसके बाद ये प्लान करी जब अपना मतलब एक शौक के लिए ले ली, कि आज तक कभी रखी नहीं थी सेडान, तो ये पहली है। वैसे यार ये ना इसका एसएक्स वेरिएंट है, ये मिडल वेरिएंट है, इसमें अलॉय वगैरह सनरूफ वगैरह सब मिल जाता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कंसीडर करने का। जैसा आपने बताया आपके पास इतनी सारी एसयूवीज है, वो चलाने के बाद आप इसके अंदर बैठ के इसको चला रहे हो, तो मतलब उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कम्फर्ट वगैरह कैसी लगी, ड्राइव कैसी लगी? मैम इसकी ना एक ड्राइव में ही मतलब मजा है अपना, और एक कम्फर्ट इसमें ज्यादा, एसयूवी में थोड़ा सा ना वो कंफर्ट नहीं मिलता जितना हम इसमें, सेडान इज मेंट फॉर कंफर्ट। जो इसमें इसके हम मतलब शॉकर्स वगैरह बढ़िया है इसका, जो है इसका अच्छा लगता है मेरे को, मतलब एसयूवी जितना मैं प्रेफर नहीं करता, तो मैंने ये पर्सनली अपने लिए लिए। तो आपके पास और भी एसयूवीज वगैरह है, तो उसमें आप बैठते हो तो आपको काफ़ी ऊँचे बैठे होते हो आप, आपको पूरी विजिबिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन सेडान में ये नहीं है, आपको बोनेट वगैरह क्लियर इतना नजर नहीं आता क्योंकि नीची गाड़ी होती है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? मैम इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, इसमें तो मतलब जो हमारे फैमिली मेंबर से कोई बैठता ही नहीं है, सिर्फ मैं सिंगल चलता हूँ या यार दोस्त चलते हैं, कहते हैं ऐसा लगता है जैसे गड्ढे में बैठ गए इसमें तो, क्योंकि सबको आदत है फॉर्च्यूनर वगैरह में गाड़ी में बैठने की। हाँ मैम, तो इसका बस मेरे को ही शौक है और कोई नहीं चलाता मैम इसको घर में, इसलिए अभी ये 4 महीने में कुल 2700 किलोमीटर चलिए बस। यार ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ना काफी दिन से फॉर्च्यूनर में बैठ रही हूं, तो जैसा अभी इन्होंने कहा मुझे भी ऐसा फील आ रहा है कि जैसे मैं गड्ढे में आके बैठ गई हूं, लेकिन यार देखा जाए तो उसका इंटीरियर काफी ज्यादा प्यारा है और साथ में सनरूफ वगैरह भी आ जाती है, तो अच्छी चीज है। कितने पैसे लगा के फॉर्च्यूनर में नहीं मिलती है सनरूफ, इसमें मिल गई तो कैसा लग रहा है आपको? इसकी भी मैम यूजलेस बराबर, इसमें से कौन निकलेगा, तो बच्चा निकल सकता है हमारे जैसे, तो मैम निकल नहीं सकते इसमें, और इंडिया का टेम्परेचर ऐसा रहता है तो खोलने का मन ही नहीं करता, अब भी बंद ही करके आ रहे हैं, हमारे लिए तो मैम यूजलेस ना होती तो भी चल जाते। जो मल्टीपल गाड़ियां रखते हैं ना अपने गैरेज में, वो एक सेडान में वरना जरूर रखते हैं, क्योंकि यार सच में इसको इंडिया में बहुत ज्यादा प्यार मिला है, और इसकी जो लुक्स है ना वो कुछ अलग ही लेवल की है। मेरे ओपिनियन में काली वरना कुछ अलग ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आपने काली वरना क्यों मैम? काली मिली ही नहीं मैम ये, और ये पेट्रोल में आप देख रहे हो नीला स्टिकर, ये पेट्रोल में चाहिए थी, डीजल में नहीं मिली, और ना ही मैम वो ब्लैक में मिली, ये तो बस जब चाहिए होती है ना तो यही वेरियंट खड़ा था ऑन टाइम, तो यही ले ली तब, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट ही नहीं होता जब लेनी होती है। ब्लैक वरना इतनी ब्यूटीफुल लगती है, सोच रहे हैं मैम रैप करा ले इसको ब्लैक में। ये ठीक है, फिर आपको ऑन पेपर्स करवाना पड़ेगा इसको लीगल, थोड़े टाइम के लिए अपने लोकल में चलने वाली गाड़ी है, दिल्ली में जब जाते हैं जब थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कोई भी सेडान होना प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होती है, बूट स्पेस वगैरह आपको इतना अच्छा मिल जाता है ना कि अगर आपके पास 2-4 लोग एक्स्ट्रा हैं तो आप आराम से यहाँ पे लेट के गद्दा वगैरह बिछा के फोन चलाते जा सकते हो कहीं भी जाना हो तो। अगर आपको सेडान ही लेनी थी तो मतलब होंडा सिटी भी आ जाती है, वो क्यों नहीं चूज की? मैम जब हम कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो हम ये स्पोर्टी में ना, अब जो उसका फेसलिफ्ट आया ना वो थोड़ा स्पोर्टीनेस उसमें कम कर दिया है, और इसमें मैम आपको पता ही है ब्लैक में तो और ज्यादा खतरनाक लगती है, तो मैम बस एक यही देखी थी, और उसके अलावा लुक्स के कारण तो लुक्स में तो स्लाविया भी बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं वो मेंटेनेंस फिर बहुत ज्यादा हैवी मांगते हैं वो मेंटेनेंस, पर वैसे आपके पास फॉर्च्यूनर है भाई, मेंटेनेंस का तो सोचोगे ही, उसमें तो इतनी मेंटेनेंस मांगती नहीं, बिल्कुल भी नहीं मांगती। अभी जैसे आपने बहुत ज्यादा नहीं चलाई है, बट जितनी भी चलाई है उसमें फर्स्ट चेकअप तो हो ही गया होगा, सो ओनरशिप का एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे आप टोयोटा में सर्विस करवाते हो वहाँ का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता ही है, तो हुंडई का कैसा था? हुंडई का भी मतलब ऑलमोस्ट ठीक है, इतना बुरा नहीं है, पर मेरे को जब उन्होंने ना चेकअप नहीं करा गाड़ी का, जब मैं लेके गया ना उनके पास तो उन्होंने बस धोखे दे दी, और एक नीचे अंडर बॉडी कोटिंग कराई थी मैंने, तो वो करके उन्होंने मैंने एक बार भी देखा कि उन्होंने चेकिंग करी है गाड़ी की, तो बस थोड़ा सा ऐसा ही काम लगा, जो आप जानते हो जीएमवी हुंडई सोहना में वहाँ से सर्विस कराई थी, तो मतलब
ऐसा ही होगा थोड़ा। वो तो वैसे भी बड़ी फेमस डीलरशिप है हमारा घर का बिल्कुल घर के पास है वो। कि लाइट्स वगैरह का रिस्पांस कैसा है? मैम लाइट्स तो मैम पुअर है इसकी, तो मेरे को अपग्रेड ही करानी पड़ेगी LEDs में। LED डलवानी पड़ेगी। रोड पे नहीं दिखता, अगर सामने से कोई फॉर्च्यूनर वगैरह वाला आ रहा हो ना तो नहीं दिखता कुछ भी। फॉर्च्यूनर तो अलग हो गया मैम। लाइट कती बहुत पुअर लाइट्स है इसकी। मैम मेरे पास सोनेट भी है, सेल्टोस भी है। सेल्टोस में तो अपग्रेड करा रखे हैं, इसमें नहीं कराई अभी, तो इसका भी सोच रहे हैं अभी कुछ कराएंगे। पेट्रोल में आपने वरना लिए और हुंडई की पेट्रोल इंजन की माइलेज कुछ वो नहीं होती खास, तो आपको कितनी माइलेज निकाल के दे रही है ये? अगर मैं खूब खींच के चलाऊँ ना तो ये 9-10 की एवरेज देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। और अगर मैं हाईवे पे चलता हूँ तो 15-14 बस। आपको आपकी गाड़ी में लिमिटेशंस क्या लगती है? मैम एक तो पीछे जो सीट्स है ना उसमें मैम लेग स्पेस बहुत कम है इसमें एक तो। ओके। और तो मैम कुछ ऐसी लिमिटेशन है, एक ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है इसका। वो तो सेडान है वो तो। और एक मैम मेरे को ना इसमें कम प्रॉब्लम आई थी जब ये सिर्फ 600 किलोमीटर चली थी कि इसके ना क्लच पैडल में से आवाज आ रही थी। अच्छा। तो कुछ रबड़ कट गई थी, मैं सर्विस स्टेशन वो सर्विस सेंटर लेके गया था तो उन्होंने बताया कुछ रबड़ कट गया, लेकिन चेंज करने के 200-300 किलोमीटर बाद फिर आने लगी वो। अच्छा। चीज़ तो फिर उन्होंने बताया सर ये ना वरना पेट्रोल में दिक्कत है ही, इसके क्लच से पैडल से आवाज आती है तो वो अब तो आ नहीं रही, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, पर कट किसी आवाज आती है जब पैडल छोड़ते हैं। तो नहीं आ रही अब, सही हो गई है? हाँ अब नहीं आ रही, कभी कभी आती है बीच में फील होती है। अच्छा। और एक इसका अलाइनमेंट ये जो व्हील बैलेंसिंग बिल्कुल ये थोड़ा टेढ़ा रहता है इससे। अच्छा। हाँ बस यही कमी है और कुछ तो कमी है नहीं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे रियर कैबिन में आके बैठी हुई हूँ तो वैसे सीट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे लगता है नी रूम थोड़ा कम है, थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। वैसे मुझे पता है हेड रूम तो सेडान में होता ही नी वाला सा हिसाब होता है, लेकिन जस्ट इनफ वाला हेड रूम है। मेरी हाइट 5'8" है तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि ठीक है, सिर नहीं भिड़ रहा बस। आप अपनी गाड़ी को कितने स्टार रेट करोगे 10 में से, तो आप कितने स्टार रेटिंग दोगे? 9 मतलब छोटी मोटी कंपनियों के लिए आपने एक स्टार। पीछे और एक जो क्लच प्लेट में से वो आवाज आती है ना क्लच पैडल में से, एक वो नहीं तो और कोई कमी नहीं है। बाकी अगर आप वरना पे और वीडियोस देखना चाहते हो तो इनका भी चैनल है, किस नेम से? मैम विक्की राव के नाम से है मेरा चैनल, तो आप इनके चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ पे आपको इनकी वीडियोस मिल जाएगी। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, आई होप आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। बाय बाय।